भगवान कृष्ण ने पूछा, बोले भगवान मैं मुद्गल ऋषि के आश्रम में निवास करता हूँ। मुद्गल ऋषि महाभारत के काल के सबसे पवित्र ऋषि कहे गए। वो एक बड़े ही विशेष तरह का तप अनुष्ठान करते थे। क्या करते थे? जो अन्न अपने आप प्रकृति गिरा करके देती थी, जो दाने अपने आप गिर गए, अनाज के दाने न किसी से मांगे गए, न छीने गए, न उठाए गए, उन सारे अनाज के दानों को इकट्ठा करने लगे। इकट्ठा करने के बाद उसके तीन हिस्से करते थे, उसमें से एक हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रखते थे, एक अतिथि के सत्कार के लिए रखते थे और एक दान देने के लिए रखते थे। तो वो नेवला भगवान को बता रहा था कि भगवान उस अन्न को भी वो महीने में दो ही बार ग्रहण करते थे, पूर्णमासी को और अमावस्या को, रोज रोज लेते नहीं थे। तो बोले 14वें दिन भोजन करने के लिए बैठे थे, 14 दिन से न अन्न लिया था न जल लिया था। इतनी देर में कहीं से एक व्यक्ति आया, वो व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक घावों से भरा हुआ था। उन घावों में से मवाद आ रहा था, खून बह रहा था, बदबू आ रही थी। उस व्यक्ति की स्थिति इतनी दयनीय थी, इतना कष्ट से भरा हुआ था और उसका शरीर इतना दुर्गंध से भरा हुआ था कि जहां जहां से वो गया वहां वहां से लोगों ने दुत्कार करके भगाया कि वहां से दूर जा, मेरे पास से बदबू आ रही, इधर मत आ। और बोले जैसे ही वो व्यक्ति महर्षि मुद्गल के सामने आकर के बैठा, महर्षि मुद्गल जो 14वें दिन का भोजन करने के लिए बैठे थे, उन्होंने अपनी थाली उसको दे दी, खाना खा लिया, पानी जो है उसको पीने के लिए दे दिया, बेटा तू पानी पी, उसके घावों को धुलाया और उसका कुल्ला करने के लिए उठे। जब कुल्ला करने के लिए उठे तो नेवला बोला कि कुल्ला कराते समय उस व्यक्ति की आंख से आंसू टपके कि चलो कहीं पर तो मानवता सुरक्षित रहेगी, कहीं पर तो इंसानियत है। बोले वो आंसू आकर अपने पीठ पर गिरे और जहां जहां गिरे वहां वहां से मैं सोने का हो गया हूँ, बाकी जगह से सामान्य रह गया। बोले वो दिन था और आज का दिन है, भटकता घूम रहा हूँ, जहाँ कहीं पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है पहुंच जाता हूँ इस आशा के साथ कि जिस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो शायद मैं पूरा सोने का हो जाऊँ। आज तक निराश हुआ समझ में आया, इसके बाद की निराशा को लेकर